गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक की चेकबुक मोबाइल बैंकिंग के जरिए कैसे अप्लाई करें उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में देखिए ये काफ़ी सारी सर्विसेज है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए चेकबुक, यहाँ पे फ्रेंड्स अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे, यानी कौन से अकाउंट में आपको चेकबुक अप्लाई करनी है, तो ये वाले अकाउंट में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे नंबर ऑफ चेक लीव्स, ओके, यानी आपको 20 पन्ने वाली, 50 या 100 पन्ने वाली चेक चाहिए, वो जैसे कि मैं यहाँ पे 20 सिलेक्ट करता हूँ, 20 पन्ने वाली मेरे को चेकबुक चाहिए। फिर यहाँ पे चार्ज अकाउंट, ओके, यहाँ से अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। यानी फ्रेंड्स उसमें क्या है कि पर ईयर आपको कुछ पर्टिकुलर चेक फ्री मिलते हैं, ओके, उसके ऊपर जाएंगे तो वो चार्ज लगेगा, तो चार्ज कौन से वाले अकाउंट से कटवाना है वो यहाँ पे वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे नेम आ गया, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबा नेम है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जैसे कि मैं सिंपल एक शॉर्ट कर देता हूँ, ये बैक करेंगे तो चला जाएगा। ओके, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपल मैं रखता हूँ विजय कुमार। ओके, या फिर ये पूरा लिख सकते हैं, ओके, अकाउंट में जो भी नाम है। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रिक्वेस्ट चेकबुक, यहाँ पे एंटर टिपिन, यहाँ पे आपका टिपिन डालेंगे, उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे टिपिन नहीं डालता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चेकबुक है, पर आप यहाँ पे टिपिन डाल के कंफर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो चेकबुक आपके घर के एड्रेस के ऊपर विथ इन 10 to 15 days, यानी 10 से 15 दिन के अंदर वो आपके घर के एड्रेस के ऊपर, ओके, यानी आपने पंजाब नेशनल बैंक में जो एड्रेस दिया है कम्युनिकेशन एड्रेस, वो घर के ऊपर वो 10 से 15 दिन में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ये चेकबुक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ब्रांच विजिट की ज़रूरत नहीं या फिर कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, ओके।